बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं जितना भी बैंक है, चाहे SBI को ले ले या ICICI को ले ले या HDFC बैंक को ले ले या इंडिया में जो भी बैंक अभी आपको चल रहा है फिलहाल, तो हर एक बैंक का नियम जो है पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। यानी क्या चेंज हुआ है आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। उससे पहले का अगर आप सब चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप सबके लिए ऐसे लेटेस्ट वीडियो लेके आता रहा, तो टाइम टाइम पे आप सबके लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सबसे पहले बता दूं कि आप सबको मालूम है जब इंडिया में लॉकडाउन हुआ था 22 मार्च से, उसके बाद कुछ ना कुछ नया अपडेट आता रहता था बैंक के ऊपर, जो कि हम सब किसी भी अदर ATM से अगर मनी विड्रॉ करते थे तो हम सबको एक भी रुपया चार्ज नहीं देना पड़ता था, जो कि लॉकडाउन में इस तरीके का अपडेट दिया गया था। तो फाइनली वो डेट था 30 जून तक, और 30 जून भी क्रॉस कर चुका है। तो अभी क्या अपडेट अभी आया है मैं बता दूं कि अगर अभी आप किसी भी ATM से, यानी अगर आपके पास ICICI का डेबिट कार्ड है और आप SBI डेबिट कार्ड यानी ATM मशीन से जाकर मनी विड्रॉ करेंगे, तो आप सबको चार्ज पे करना पड़ेगा। यानी पूरा तरीका जो सिस्टम है इसका फिर से वही शुरू हो चुका है जो इससे पहले था। यानी अभी आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, जैसे कि ICICI का डेबिट कार्ड से आप किसी अदर ATM में जाकर पैसा विड्रॉ करते हैं, तो आप सबको उसका जो भी चार्ज होता है वो चार्ज आपको पे करना ही पड़ेगा। ये पूरे तरीके से अपडेट इसका हो चुका है। अभी हम दूसरा बात कर लेते हैं गैजेसी पर। जैसे कि अभी हम सबको मालूम था कि जब हमारे पास बैलेंस कुछ नहीं रहता था तो हम लोग अपने SBI अकाउंट हो या कोई भी अकाउंट हो उस अकाउंट में बैलेंस ही नहीं रखते थे, यानी जीरो बैलेंस अकाउंट वाला जो था हम लोग, तो हम लोग जीरो ही मेंटेन करते थे। बट अभी फिर से 30 जून के बाद अभी फिर से एक अपडेट आ चुका है, जिसमें अभी आप सब अगर बैलेंस नहीं रखते हैं अपने बैंक अकाउंट में तो आप सबको पेनल्टी पे करना ही पड़ेगा। यानी आप सबका जो उसका सर्विस चार्ज होता है वो आपको देना ही पड़ेगा। ये फाइनल तरीके से फिर से अपडेट आ चुका है। तो गाइस अगर अभी आप सबको बैंक में बैलेंस नहीं है, अगर आप नहीं रखे हैं तो जरूर रख लीजिए, नहीं तो आप सबको चार्ज पे करना ही पड़ेगा। ये पूरे तरीके से नया अपडेट आ चुका है। साथ में बता दूं कि नया नया अपडेट हर एक बैंक को आता ही रहता है। अगर आपके पास जो भी बैंक अकाउंट है वो आप तो नियर आपका जो ब्रांच रहेगा उस ब्रांच में जाकर विजिट कर सकते हैं और उधर से पूछ सकते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस रखना पड़ेगा। या मैं बता दूं कि अगर दो बैंक अकाउंट अगर आपके पास है, जैसे कि ICICI और HDFC, तो HDFC में कम से कम आपको 5,000 रुपया रखना पड़ेगा और ICICI में कम से कम आपको 10,000 रुपया रखना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपको चार्ज नहीं रहेगा। अगर हाँ आप सैलरी पर्सन है, अगर आप 3 महीना से ज्यादा का आप हो चुका है, अगर 3 महीना से आपके बैंक अकाउंट में सैलरी नहीं आया है, तो भी आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। इसलिए भरना पड़ेगा जो कि सैलरी अकाउंट होता है वो 3 महीना तक उसका मानता रहता है। यानी 3 महीना तक अगर आपके अकाउंट में सैलरी नहीं आता है तो कोई इशू नहीं रहता है। अगर 3 महीना के बाद भी अगर आपको सैलरी नहीं आ रहा है तो वो अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो सैलरी रहता है उसको सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद सेविंग अकाउंट का जो भी मान रहता है, जैसे कि 10,000 का आपको प्रति महीना सेविंग करके रखना ही पड़ेगा, वो आपको 10,000 का आपके अकाउंट में रखना ही पड़ेगा। अगर आप 10,000 का नहीं रखते हैं अपने सेविंग अकाउंट में तो आपको जो उसका जो सर्विस चार्ज होता है, जो आप पेनल्टी होता है, वो पेनल्टी आपको मारा जाएगा और आपको भरना ही पड़ेगा वो जितना भी चार्ज आपको लगाया जाएगा। तो गाइस इस तरीके का जो नया नया अपडेट हर एक बैंक के ऊपर आ गया, जैसे कि यूको बैंक को हम ले लें, यूको बैंक के ऊपर महाराष्ट्र बैंक को ले लें या हर एक जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ले लें, हर एक बैंक का नया नया अपडेट आ चुका है। अभी आप जो भी बैंक अकाउंट आपके पास है आप उस बैंक का जो नियर जो ब्रांच है उस ब्रांच में जाके बात कर लीजिए, नहीं तो आप सबको पेनल्टी जरूर ही पे करना पड़ेगा। या तो आप रिक्वेस्ट करके आगे बढ़ा सकते कि भाई मेरे पास जो अभी जॉब नहीं है, हम अभी इतना पे नहीं कर पाएंगे अपने बैंक अकाउंट में, तो इस तरीके से रिक्वेस्ट करके अगर आप बचना चाहते हैं तो बच सकते हैं। नहीं तो और एक बात आप इतना याद रखिए कि किसी भी अदर ATM में जाके अभी आपको मनी विड्रॉ नहीं करना है। जैसे कि आप यूनियन बैंक का अगर आपके पास अकाउंट है तो आप यूनियन बैंक के ATM में जाके ही पैसा विड्रॉ कीजिए, ना कि SBI में जाके विड्रॉ कर लीजिए। अगर आप इस तरीके से गलती करेंगे यानी आप दूसरी ATM जाके मनी विड्रॉ करेंगे तो आपका जो सर्विस चार्ज होता है वो चार्ज आपसे वसूला ही जाएगा, जो कि मंथली का 3 ट्रांजेक्शन फ्री था, 4th ट्रांजेक्शन अगर आप अदर ATM में जाके करेंगे तो आप सब जो भी चार्ज होगा मंथली का वो मंथली चार्ज आपसे लिया जाएगा। तो गाइस ये एक नया अपडेट है जो मैं आप सबको इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। जो वीडियो का लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप सबको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ इश्यू है तो आप सब कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।